हम चाणक्य बीएनआर में जन जन की आवाज जीएन भारत चाणक्य बीएनआर में है और द्रौपदी मुर्मू जो कैंडी प्रत्याशी है वो भी अंदर से बाहर निकल के आई, जैसा विजुअल आप देख सकते हैं। हमने ये जो बैठक हुई है इसमें एनडीए के विधायक और सांसद मौजूद रहे और चर्चाएं हुई है, इसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आया है। जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपील की, उन्होंने अपनी बात को रखी और उन्होंने कहा, एक किस्सा सुनाया कि जब मोदी जी उनको बुलाए अपने पास और उन्होंने कहा कि आपको राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना जा रहा है, उन्होंने कहा मैं बहुत शौक हुआ और मैंने मोदी जी से पूछा कि मुझे इतने छोटे तबके से मैं निकल के सामने हूँ, मुझे क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत है क्योंकि आप एक महिला है और हम सब आपके साथ हैं। इन्होंने थोड़ी सी अपनी, इनको थोड़ा झल्लाहट थी। द्रौपदी मुर्मू ने मोदी जी से कहा मुझे समर्थन कौन देगा, मुझे कोई नहीं देगा। तब मोदी जी ने इस पर कहा कि समर्थन मिलेगा, हम आपके साथ हैं, ये पूरा एनडीए आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश का जनता आपके साथ है, आपको बस खड़ा होना, आपको लोगों के बीच जाना है, छोटे छोटे गाँवों में जाना है, आपको आपको वहाँ जाके काम करना है। तो इसलिए ये सारी बातें उन्होंने कुछ किस्से भी शेयर किए बैठक में। और बैठक में क्या कुछ हुआ संजय सेठ ने बताया, आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। आज राजग की उम्मीदवार राष्ट्रपति की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज अपील करने आई थी। राजग के सभी सांसद, सभी विधायक उपस्थित थे। निर्दलीय उम्मीदवार अमित यादव जी भी उपस्थित थे और हमसे अपील करते हैं कि राजनीति भाव से ऊपर उठकर देश में आज़ादी के 70 साल बाद, 75 साल जब अमृत महोत्सव बना रहे, तो सभी राजनीतिक दल, एक आदिवासी महिला, एक गांव, पिछड़े गांव से एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही, दलगत भावना से ऊपर उठकर और कह सकते हैं कि यूनानिमस चुनाव होना चाहिए। अभी भी समय है, देश के सभी राजनीतिक दल, बड़े नेता आगे आए, ये एक देश के लिए सम्मान। और देश में एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बने, ये देश के लिए गौरव की बात है। और विशेषकर झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों का सम्मान आज गौरव बढ़ा है, क्योंकि आप सबको पता है कि 6 साल यहाँ महामहिम रही, जो प्यार स्नेह दिया, आज वह स्नेह के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने विचार रखे और हम सब गौरवान्वित इसलिए हैं कि ये तो लगभग तय है, अब यूनानिमस हो जाए, निर्विरोध हो जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का बहुत बड़ा ऑर्नामेंट होगा। जेएमएम से क्या उम्मीद है सर? अपील हम सब कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आया, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, जेएमएम से आग्रह है कि आज ही जब बिरसा मुंडा की पावन धरती पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ उपस्थित हैं, तो आज उनके सम्मान में आज जेएमएम को आज ही घोषणा करनी चाहिए कि जेएमएम पूरी तरह द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में है। तो आपने सुना कि इन दोनों ने ही कहा कि जेएमएम को समर्थ करना चाहिए, बल्कि संजय सेठ ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज ही, आज बहुत अच्छा मौका है, बिरसा मुंडा के पावन धरती पर द्रौपदी मुर्मू ने अपने कदम रखा है, राज्यपाल रह चुकी है, अब सोच किस बात की, ग्रीटिंग्स भी दिया है सीएम हेमंत सोरेन ने, आज ही घोषणा कर दे, बहुत अच्छा मुहूर्त है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जेएमएम एकलौता पार्टी गठबंधन में नहीं है, बल्कि इसके साथ कांग्रेस और राजद, उन दोनों की सहमति भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखती है। क्या गठबंधन से निकल के सामने आएगा? जिस तरीके से राष्ट्रपति का ये चुनाव कहीं ना कहीं बहुत T20 मैच की तरह इंटरेस्टिंग बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन का फैसला बहुत अहम होने वाला है। आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।